अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मेरे साथ में है कुछ स्टूडेंट और आज हम बताएंगे आपको एक कीपैड मोबाइल की फ्लैशिंग। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताएंगे अगर आपके पास में कीपैड मोबाइल है तो उसकी फ्लैशिंग कैसे करें और अगर आपके पास में फर्मवेयर नहीं है तो उसको कैसे रीड करें, कैसे राइट करें। कीपैड मोबाइल की फ्लैशिंग करेंगे वो है मुंबई से वकार। तो वकार ये लीजिए मोबाइल और चलिए यहाँ आ जाइए। तो वकार मुझे बताओ कि कीपैड मोबाइल की जो फ्लैशिंग होती है उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? सर उसके लिए मिरेकल बॉक्स चाहिए, मतलब उसके लिए फ्लैशिंग बॉक्स चाहिए। फ्लैशिंग बॉक्स चाहिए। तो अगर जिनके पास में मिरेकल बॉक्स नहीं होता है तो वो कैसे फ्लैश करेंगे? उससे कर सकते हैं। तो आप हमें किससे दिखाएंगे, मिरेकल के क्रैक से या बॉक्स से? क्रैक से दिखाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो में हम आपको क्रैक वर्जन ही दिखाएंगे, हमारे पास में कोई भी मिरेकल का बॉक्स नहीं है। तो वकार मुझे ये बताइए कि जैसे कि कीपैड ये मोबाइल है आपका, इसमें क्या आईसी लगी, कौन सी आईसी लगी? आपने जैसा बताया था मीडियाटेक की आईसी लगी, जो सर आपने बताया था टेक्निक्स कैसे पहचानते हैं, तो मीडियाटेक की आईसी लगी है। अच्छा मुझे बताइए इसमें आईसी का क्या नंबर होगा? 62 और 63 नंबर। अच्छा कैसे आपको पता है कि ये कीपैड मोबाइल है तो 62 नंबर होता है, कैसे पता आपको? सर ये टेक्निक सब आपने बताया। चले ठीक है, अगर ये एंड्रॉइड होता तो क्या होता? 65वां। और अगर 3G होता तो 65वां और 4G होता तो 67वां। चलिए ठीक है। तो वकार मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे कि फ्लैशिंग हम करेंगे क्यों, मतलब आपके पास में फ्लैशिंग होता क्यों है, लोगों को ये बताओ कि फ्लैशिंग होता क्या है ये बताइए। फ्लैशिंग में कभी कभी क्या होता है, डेड मोबाइल को कीपैड पे हम फ्लैशिंग कर सकते हैं और एंड्रॉइड में जो होता है वो लोगों पे आके अटक जाता है, उस पर हम फ्लैशिंग कर सकते हैं और व्हाइट डिस्प्ले आता है उसके लिए भी फ्लैशिंग करना पड़ती है। अच्छा मुझे बताओ जैसे कि डेड आया तुम्हारे पास में, जैसे ये कीपैड वाला डेड आया, और अगर वो मान लो कि कैसे पता चलेगा कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है? सर आपने जो टेक्निक्स बताई है उसे डीसी मशीन से चेक करेंगे सर, तो उससे पता चल जाता है, चल जाता है सर कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो चलिए ठीक है, मुझे चलिए यहाँ पे बताइए। अब हमारे पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में मिरेकल का क्रैक वर्जन। चलो वकार बताओ। सबसे पहले मिरेकल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ड्राइव ठीक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, उसको यस करेंगे। देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया है, उसके बाद कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, अब हमको इसका सॉफ्टवेयर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रीड करना क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अपने पास ये फोन आया है, ऐसे फोन बाद में भी अपने पास आ सकता है, तो सबसे पहले अपना कोई इसका सॉफ्टवेयर जो फर्मवेयर है उसको कॉपी करके रख लेना है। और इसको राइट कैसा करना है, मतलब इंस्टॉल कैसा करना है फर्मवेयर, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए सब करेक्ट बटन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है और अब अपने को करना है राइट, मतलब फर्मवेयर इंस्टॉल करना है, तो राइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके आईसी नंबर ले लेना है, जैसा मेरा बूट 5 है। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल दिए हुए उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो लावा का फोल्डर है, उसको ओपन कर लेना है। ये फाइल आ चुकी है दोस्तों, इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब अपने को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वैसे ही सेम जैसा मैंने आपको बताया था मेनू बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे यूएसबी की कनेक्ट करनी है। तो देखो दोस्तों ये मैंने कनेक्ट कर ली है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ये कुछ प्रोसेस लेगा, कुछ टाइम लेगा, थोड़ा टाइम वेट करना है अपने को। 100% होने बाद यहाँ पे मैसेज आएगा। अच्छा मोबाइल को थोड़ा और टीवी के ऐसे ऐसे लेके जाओ ताकि ये दोनों चीज को दिखा सके। हाँ ऐसे, हाँ ठीक। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ये इरेसिंग किया, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे राइटिंग किया है, मतलब सबसे पहले जो भी फर्मवेयर था उसको इरेस करता है और उसके बाद में उसको रीराइट करता है। तो ये प्रॉब्लम जो भी आपके मोबाइल फोन में होगा, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया होगा, तो वो वापस रिपेयर हो गया हो जाएगा उसमें। तो थोड़ा वेट करना है इसमें।
देखिए दोस्तों ये 100% हो चुका है, उसके बाद अपने को मोबाइल को निकाल लेना है, उसके बाद बैटरी निकालनी है एक बार, उसके बाद बैटरी वापिस लगानी है और फिर इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, देखिए ऑन हो चुका है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वकार आपका। देखिए दोस्तों आज हमने सीखी है कीपैड मोबाइल की फ्लैशिंग, अगर आप लोग भी मेरी तरह सीखना चाहते हैं तो आप इस क्लास में आ सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सर के नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपना नंबर, ठीक है दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ आइए यहाँ पे इस क्लास में सीखिए और ज्ञान लीजिए, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों जैसे कि वकार ने कहा कि आप यहां से आ सकते हैं और सीख सकते हैं, तो यहां पर बहुत जगह जगह से लोग आए हैं, यहां हमारे पास में सऊदी से भी हैं, पंजाब से हैं, आपके महाराष्ट्र से हैं, यहां पर पुणे से आए हैं, तो बहुत जगह जैसे के लोग आते हैं दोस्तों। और इसके साथ में जो मेडिकल बॉक्स का जो हमने बताया उसकी लिंक हम यहाँ पे दे चुके हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और अगर आपको सेम मोबाइल फोन आपके पास में है, मेरे मोबाइल का नंबर और मॉडल नंबर साथ में इसकी जो फाइल है इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। और अगर आपको ये भी चेक करना है कि मेडिकल बॉक्स कैसे रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय पिक्चर, तो मैं इसके लिए अपनी वेबसाइट की एक लिंक नीचे दे दी है, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ में आप ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग की बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेने आया हूँ कि कुछ ही एक या डेढ़ महीने के अंदर में आप मेरी एक बुक लॉन्च होने वाली है जिस जो कंप्लीट इनोवा हार्डवेयर पर होगी, तो वो बुक आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी सब तरह की, और वो जैसे कि वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से ही पता चल जाएगा। जैसे ही मैं आपकी वो बुक आपको बता दूंगा कि आप खरीद सकते हैं, तो उस बुक से क्या है मैं बिल्कुल ये दावा ठोकूंगा कि अगर आप बुक खरीदेंगे और अगर आप सीख रहे हैं तो बुक जरूर खरीदें, क्योंकि उससे आप 50% पूरा मोबाइल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते रहें, जुड़े रहें चैनल से, और आपको इस दशहरा की पहले से ही प्री एडवांस बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, फ्लैशिंग आपको सीखना है, आपको पता करना है कि फ्लैशिंग क्या होती है, स्टॉक रूम किसे कहते हैं, कैसे हम फाइलों की फ्लैशिंग करें, तो आप आज ही डाउनलोड करें एक ऐप्स जो आज हमने लॉन्च किया है। तो आपको करना है क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एशिया टेलीकॉम लिखना है दोस्तों, कोई सा भी ऐप्स मेरा खोल लेना है, और ऐप्स के नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देवरत्न अग्रवाल दिखाई देगा और मेरे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करें दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको ऐप्स मिलेगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो ये जो आपको ऐप्स है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे, इसको आज के डाउनलोड करें। केवल 2.1 MB का ये ऐप्स है दोस्तों, और इसमें मैंने बताया है सब तरह की फ्लैशिंग, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर सब तरह के यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, तो यहाँ पे आपको मैंने कोशिश की है कि सब तरह के यहाँ पे ज्ञान दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है इसको ओपन, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों ये जैसे ही ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पे आ जाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट, तो यहां क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, स्मार्टफोन रिपेयरिंग होता क्या है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, फ्लैशिंग के टाइप, यूएसबी केबल से क्या फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग तो मोबाइल फ्लैशिंग विद यूएसबी केबल क्या होती है, मोबाइल फ्लैशिंग विद विदाउट यूएसबी केबल अगर हम बात करें, विद बॉक्स यहाँ पे सब बताया गया है, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, रिकवरी टाइप, कस्टम रिकवरी, स्टॉक रिकवरी, और दोस्तों यहाँ पे आपको सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और हाउ टू यूज रिकवरी मोड और ये सारी चीजें, व्हाट इज मोबाइल फ्लैशिंग टूल, सीपीयू बेस क्या होता है, तो यहाँ पे आईफोन की फ्लैशिंग, उसका आईफोन का टूल, आईफोन का ड्राइवर, यहाँ पे सब कुछ देखो दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, आईफोन एप्पल में पासकोड कैसे अनलॉक करते हैं, डीएफई मोड पे कैसे लाते हैं, सैमसंग का सारे उसके सारे वर्जन आपको यहाँ पे वन क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, FRP रेटिवेशन, और यहाँ पे Samsung FRP टूल, मीडिया टेक, तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक के सारे मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बकायदा पिक्चर के साथ, Xiaomi में मिल जाएगा आपको Xiaomi के टूल, कैसे उसको अनलॉक करें अकाउंट, स्प्रेक्टम मोबाइल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोकिया और फिर उसके बाद में फ्लैशिंग बॉक्स के क्रैक वर्जन, GSM टूल, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसको आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों, और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है खुद हमारे इंस्टीट्यूट आके, तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर दीजिएगा, और वो भी आपसे कॉल कर सकते हैं 12 और 5 बजे के बीच में। धन्यवाद।
हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.